सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफिकेशंस विद मनोज और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आपको एक फॉग लाइट इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा। तो ये जो फॉग लाइट है, ये फॉग लाइट कम स्पॉटलाइट जैसे ज़्यादा है, ओके, मतलब स्पॉटलाइट जैसे ज़्यादा दिखता है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था फॉग लाइट का, जो मैंने एक्टिवा के टायर पर लगाया था। तो आज हम थोड़ा सा अलग करेंगे, तो मैं आपको फॉग लाइट दिखाता हूं। थोड़ा सा अलग टाइप का फॉग लाइट है ये, इसमें DRL और फ्लैशिंग भी है और कॉन्स्टेंट ग्लो भी होता है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये फॉग लाइट आप किसी भी बाइक्स में या स्कूटर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये इंस्टॉलेशन करना, बहुत ईजी है इंस्टॉलेशन करना। वायरिंग उसका सब सेम ही रहेगा जो मैंने पहले बताया था, आपकी वायरिंग उसका सेम ही रहेगा। फिर भी मैं आपको उसका वायरिंग आपको दिखा देता हूँ, और पहले मैं आपको इसका फॉग लाइट दिखाता हूँ, ओके। और प्राइस इसका जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। और ये वाला प्रोडक्ट एक्चुअली अभी तक ऑनलाइन में मुझे नहीं दिखा, लेकिन इसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट ऑनलाइन में है, तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। और नीचे उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आपको इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो, मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो आपको पहले फॉग लाइट आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला फॉग लाइट है, ओके। तो इसमें DRL है यहाँ पे, ओके, वाइट कलर की DRL है और अंदर चार LED है, जो टोटल 16 वाइट्स का है ये। तो जो इसके अंदर की जो चार LED से इसका मतलब ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी दूर तक जाता है, और लेकिन ये स्पॉटलाइट जैसा काम करता है ये। और इसमें ये वाइट कलर की DRL, उसकी भी ब्राइटनेस बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। और इसमें एक और फंक्शन क्या है ना, कि जो अंदर की जो चार LED जो है ना, वो फ्लैशिंग भी करती है। मतलब तीन फंक्शन है, एक तो DRL एक फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया कि अंदर की चार LED से वो कॉन्स्टेंट ग्लो करती है, और ये मतलब एक बार और एक बार ऑन ऑफ करेंगे तो फ्लैशिंग भी करती है। और इसके अंदर तीन वायर्स हैं इसके अंदर, ओके। तो एक ब्लैक है, वो तो नेगेटिव हो गया, ओके, जो कॉमन होता है नेगेटिव हो गया। और एक फ्लैशिंग, एक मतलब चार LEDs वाले जो अंदर की जो LED से उसकी उसका एक वायर है, और एक DRL का एक वायर है। तो अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ ना, तो जो मेरी एक्टिवा 3G है उसमें तो पायलट लैंप दिया हुआ है, और मैंने सारा बैटरी कनेक्शन किया हुआ है। हाँ, एक और चीज़, ये फॉग लाइट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको बैटरी कनेक्शन कराना पड़ेगा, ओके। तो मैं इसमें क्या करने वाला ना, तो जो इसका जो DRL जो है ना, तो ये मैं अपने स्कूटर के पार्किंग लाइट के साथ अटैच कर दूंगा। जो पार्किंग लाइट वाला जो छोटा बल्ब है वो मैं निकाल दूंगा, तो डायरेक्ट पार्किंग लाइट का वायर मैं इसके DRL के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और जो मैंने पहले जो फॉग लाइट जो लगाई थी, उसका एक अलग से मैंने बटन इंस्टॉल किया था, उसी बटन पे ये चार LED वाला जो है ना, इसका वायर पे उस बटन पे डाल दूंगा। वो बटन अभी भी मैंने लगा के रखा हुआ, मैंने वो फॉग लाइट का मैंने निकाल दी थी, पूरा सस्पेंशन भी चेंज कर दिया, सारी ख़राब हो गई थी, तो उसका बटन मैंने अभी तक वो रखा हुआ है। तो इसका वायरिंग उसी बटन के अंदर चला जाएगा। और इसके साथ में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, कि इसके साथ में ब्रैकेट आता है, ये थोड़ा सा आपको ब्रैकेट मिलेगा, तो मतलब लगाने के लिए। तभी इसमें मैं क्या करूँगा, एक्टिवा 3G का जो मेरा नंबर प्लेट है, वो नंबर प्लेट पे इसको अटैच करूँगा। जो नंबर्स है वो एक्चुअली जो मतलब व्हीकल नंबर है, वो मैं एक्चुअली नीचे अलग से दूसरे नया स्टिकर बनवा के डाल दूँगा। तो ये कुछ व्हीकल्स के रूल, RTO के रूल्स है, रेगुलेशन का, वो थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ब्रैकेट है, ये वाला ये ब्रैकेट है, ये इस पर ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट ऐसा आ जाएगा। और इस पर एक बड़ा वाला स्क्रू भी एक आता है, इसमें नट है, इसमें बड़ा वाला, ये ऐसा पहले से बीच में जाएगा, पहले ये डाल देना है इसको, और फिर ये इसको फिट करना है इसको ऐसे। और ये क्या फिर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा जैसा चाहिए आप एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, थोड़ा लूज करके आगे पीछे आप कर सकते हैं, ऐसा टाइप करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आप कहीं पर भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको ऐसा मिरर पे करना है तो मिरर पे कर सकते हैं, आपको एक अलग से छोटा सा एक हॉर्न का ब्रैकेट लेके आप मिरर पे डाल सकते हैं उसको। आपको अगर एवेंजर पे करना है या किसी बाइक पे करना है, तो आप बुलेट वाला ब्रैकेट आप ले सकते हैं, तो वो लेके आप उस पर भी अब ये फॉग लाइट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरा एक्टिवा 3G पे, ये मेरा 3G का ये मेरा पैनल है, फ्रंट पैनल है, ये नंबर प्लेट निकाल दूंगा, ओके। तो ये जो व्हीकल का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे अलग से स्टिकर लगा दूंगा, और यहीं पे मैं ये फॉग लाइट पूरा इंस्टॉलेशन कर दूंगा इस तरह से ऐसे आ जाएगा, ओके। एक इधर आ जाएगा और एक इधर दो आ जाएगा। तो ये सिंपल है, तो ये मैं बता कर देता हूँ। हाँ, और दूसरा, अगर आपके पास अगर PS4 व्हीकल है, ओके, जिसमें बटन नहीं होता, तो उसमें आप क्या करोगे, तो उसमें भी आपको सेम ऐसे ही एक्चुअली आपको अगर आप बटन अगर आप लगा रहे हो हेडलाइट के लिए, तो ठीक है,
अगर आपको हेडलाइट के लिए बटन नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली सिर्फ फॉगलाइट ही करना है, तो इसको भी डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो DRL वाला जो है तो वो आप डायरेक्ट उसको इग्निशन पे डाल सकते हो, और जो अंदर के जो LEDs है उसके लिए आप बटन डाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि इसमें इसके लिए आपको दो बटन आपको लगाने पड़ेंगे, DRL के लिए एक बटन हो जाएगा और ये अंदर की लाइट के लिए एक और बटन हो जाएगा, दो बटन हो जाएंगे। अगर आप PS4 गाड़ी में क्या कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हो, हेडलाइट की स्विच आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, तो उसमें जो पार्किंग लाइट होती है ना उसके साथ ये DRL को आप अटैच कर दो, और इसके लिए अंदर के लिए आप अलग से स्विच लगा दो। आपको हेडलाइट के साथ कनेक्ट करना है, आपको हेडलाइट के साथ भी कनेक्ट करना है, जैसे आपको कनेक्ट करना है PS3 में बेस्ड में आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अलग अलग करने वाला हूँ, DRL को तो मैं पार्किंग लाइट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये अंदर की जो 4 LEDs है उसको लिए एक अलग से स्विच डाल दूंगा। तो ये सिंपल है इतना करने के लिए, और ये मतलब वाटरप्रूफ भी है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जो DRL में एक वाइट भी आती है और ब्लू आती है, लेकिन ज़्यादातर वाइट ही अवेलेबल है, तो दूसरा ब्लू कलर तो मुझे अभी तक अच्छी देखने नहीं मिला मुझे कैसा, लेकिन वाइट बहुत अच्छी दिखती है, तो इसे हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो पैनल है ना, ऐसा पैनल में जब भी आप लगाओगे तो यहाँ पे एक्चुअली एक होल करना पड़ेगा, एक वो होल के अंदर से वायर जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे पहले से ऐसे ऑलरेडी मैंने एक बार यहाँ पे होल किया, लाइट मैंने लगाई थी एक बार, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा होल किया हुआ था पहले से, तो उसी होल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और उसी के अंदर से वायर चले जाएगा। दूसरा, जब भी आप अंदर वायरिंग जब भी आप करेंगे ना, तो ये वाला सॉकेट मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा जो घर का डेस्कटॉप जो होता है ना उसमें ये सॉकेट होता है, ओके, जो मदरबोर्ड पे अटैच होता है SMPS के साथ। ये सॉकेट लगाने का रीज़न ये है कि जब भी आप पैनल आप निकालोगे तो आपको अगर सब पैनल अलग करना, तो ये पूरा सॉकेट खाली आप अलग करोगे तो पैनल पूरा अलग हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा वायर अटैच रहेगा, फिर आपको बार बार उसमें टेप निकालना पड़ेगा और फिर वो जॉइंट निकालना पड़ेगा, वापिस से आपको जब भी आप फिटिंग करोगे वापिस उसको फिट करने का, जॉइंट करने का और उस पर टेप लगाने का। उससे जो क्या करिए, आप सॉकेट ही ऐसा सॉकेट ले सकते हो, तो ये तो कंप्यूटर वाला सॉकेट है क्योंकि उसमें 3 वायर है और इसमें 4 वायर, तो चलेगा एक वायर मतलब अलग रह जाएगा। ऐसे 2 वायर वाला भी आता है सॉकेट अलग से, 3 का भी आता है, 4 का आता है, 5 का आता है, 6 वायर का भी सॉकेट आता है। तो ये जो सॉकेट जो है वो आपको बाइक वाले के शॉप पे आपको मिल जाएगा, और ये वाला सॉकेट है ये कंप्यूटर के शॉप पे आपको मिल जाएगा, हार्डली कुछ अराउंड 10 या 15 रुपीज़ का आपको मिलेगा। ये एक्चुअली बहुत पुराना सॉकेट है, मैंने पहले से पढ़ा था घर पर, तो ये इसी में सब ढूंढा तो मुझे ये मिल गया, तो ये ऐसे लगा देंगे, ये देखिए ऐसा फिट हो जाएगा ये। ऐसा फिट हो जाएगा इसको, ये एक्स्ट्रा वायर है इसको कट कर देंगे, बीच में से कट कर देंगे इसको, तो जब भी करना है तो ये ऐसा सिर्फ इसको निकाल देगा इसको, तो बहुत इजी हो गया, ओके। और इसको पैरेलल कनेक्शन करेंगे, मतलब ब्लैक दोनों फॉगलाइट के ब्लैक अटैच एक साथ कनेक्ट होगा, रेड एक साथ कनेक्ट होगा और ब्राउन कलर का एक साथ कनेक्ट होगा। तो आपको मैं उसको लाइट चालू करके आपको मैं दिखा देता हूँ, कल आपको मैं इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ, ओके। इसमें जो ब्लैक कलर का वायर है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, जो ब्राउन कलर का जो वायर है वो DRL है, ओके। ये DRL इसका काफ़ी ब्राइट है, ठीक है। इसमें जो रेड कलर का एक वायर है वो अंदर की फॉग लाइट्स का है। इसमें कैसा होता है ना, जब एक बार आप चालू करोगे तो कांस्टेंट ग्लो करेगा, सेकंड में जब भी आप ऑन ऑफ करोगे तो फ्लैश नहीं करेगा, फिर से ऑन ऑफ करोगे तो कांस्टेंट ग्लो हो जाएगा, ओके। तो ये अभी कांस्टेंट ग्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से इसे जॉइंट करूँगा, ये फ्लैश करेगा, ओके। DRL फ्लैश नहीं करेगा, सिर्फ अंदर की जो लाइट से वही फ्लैश करती है, ओके। तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों वायर को एक साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। DRL और अंदर की जो लाइट्स है उसको दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी लाइट है, इसको रात को हम एक बार चेक करेंगे एक बार फिटिंग करने के बाद। हाँ, तो ये इस तरह से लगा दिया है, ओके। दोनों फॉग लाइट देखो यहाँ पर लगा दिया, नंबर प्लेट निकाल दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे दो वॉशर डालना पड़ा अंदर, ओके। तो वो एक्चुअली लूज़ हो रहा था इसलिए दो वॉशर डाला, और यहाँ पे होल किया है, ये होल करके वायर निकाला है, ओके, दोनों का, और ये ऐसे दोनों को पैरेलल कनेक्शन जॉइंट कर लिया, ब्लैक को एक साथ कनेक्ट किया, रेड को एक साथ, और ये ब्राउन को एक साथ, ओके। और ये जो मैंने बताया था कंप्यूटर की जो ये दिखाई थी मैंने आपको सॉकेट, ये सॉकेट ले लिया, तो दूसरा वाला सॉकेट जो है ये रहा, ओके। तो ये अब बाइक में फिट हो जाएगा और ये पैनल के साथ रहेगा, मतलब कभी पैनल आपको अलग करना तो अलग कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी का नाम है ये है मॉकी प्रो करके कंपनी का है ये,
ओके, मॉडल नंबर है W12R0। ओके, तो ये कंपनी का एक्चुअली काफ़ी सारे लाइट्स आती है, मतलब इसमें देखो ये वैरायटी है, इसमें ये ऐसी इनकी स्ट्रोब लाइट्स भी आती है, तो काफ़ी सारे रेंज आती है इसमें। तो ये 12R ये वाला मॉडल है। ओके, तो और दूसरा HJG करके कंपनी आती है, उसका भी आता है, जो मैंने एक बार इसका एक फॉगलाइट वाला जो मैंने बनाया था वो भी HJG कंपनी का था, बाहर एंड इंडिकेटर्स मैंने लगाए थे वो भी HJG कंपनी का ही था। तो जो भी कंपनी मिलेगा तो मतलब वो सब सेम ही है करेगा। तो इसका ऑनलाइन लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं एक बार डाल दूँगा। ओके, और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से अभी पूरा भी मतलब फिट हो चुका है ये, तो आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने सॉकेट आपको बताया था, कंप्यूटर वाला जो सॉकेट था, ये उसके साथ फिट हो गया। और ये उसका जो सेकेंड हैंड था वो भी वहाँ पे स्कूटर के अंदर डाल दिया। तो जो इसका कनेक्शन एकदम सिंपल है, जो ब्राउन कलर का जो वायर है वो DRL है, तो मैंने उसका वायर मैंने पार्किंग लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो अंदर की जो 4 LEDs है उसको मैंने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया, जो पहले मैंने लगाई थी वो स्विच, उसका दूसरा वायर इग्निशन स्विच में जाएगा। और जो ब्लैक कलर का जो है वो नेगेटिव, वो सीधा डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है। तो जो मतलब जो DRL है या तो इंजन लाइट बोलो उसको, वो उसको मैंने पार्किंग लाइट के साथ कनेक्ट किया, अंदर की जो 4 LEDs है उसको स्विच के साथ कनेक्ट किया, उसका वायर इग्निशन में से लिया है मैंने और नेगेटिव ग्राउंड कर दिया। तो इस तरह से आपको फिटिंग करना है। ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने, तो जो पहले मैंने ब्रैकेट पे लगाया था तो वहाँ पे वाइब्रेट हो रहा था, वो ब्रैकेट निकाल के मैंने इसको डायरेक्ट पैनल पे फिट कर दिया। ओके, बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ मैंने वो ब्रैकेट निकाल दिया क्योंकि वो थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था। अभी यहाँ लगाने के बाद वाइब्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। अभी तो फिलहाल ये मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया है मैंने, तो अभी हम इसका पार्किंग लाइट पहले ऑन करते हैं। ओके, तो इसका देखते हैं इसकी लाइट कैसी है। तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी, जो इसकी DRL है। तो ये DRL मैंने डायरेक्ट पार्किंग लाइट के साथ कनेक्ट किया, और पार्किंग लाइट वाला जो बल्ब है जो हेडलाइट के अंदर होता है वो मैंने निकाल दिया, तो इसको भी मैंने डायरेक्ट रखा हुआ है पार्किंग लाइट के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इसकी अंदर की जो मेन LEDs है, 4 LEDs जो है इसके अंदर की, वो अभी ऑन करते हैं। तो ये देखो यहाँ तक इसकी रेस जा रही है इसके, तो ये जो है मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हो और आगे तक जा सकते हो, और ऊपर करेंगे तो आगे तक जाएगी इसकी, तो काफ़ी दूर तक जाती है इसकी लाइट। और ये मेन हेडलाइट मैंने अभी ऑन किया है मैंने। ओके, ये LED हेडलाइट डाली हुई है मैंने, ये मेन हेडलाइट का फोकस है। तो अभी ये सिर्फ ये स्पॉटलाइट का है ये फोकस। अब इसको हम फ्लैशिंग करके देखते हैं, इसको मतलब ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा इसका, और वापस से ऑफ करके ऑन करेंगे तो कॉन्स्टेंट ग्लो हो जाएगा। तो ये फिटिंग बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, किसी भी बाइक और स्कूटर पे आप इसको फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन इसको देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।